कोई ऐसी किताब है जो तुम पढ़ना चाहते हो पर वो अभी तक लिखी ही नहीं गई है, तो तुम्हें उसे ज़रूर लिखना चाहिए। ऐसा मैं नहीं, टोनी मॉरिसन ने कहा था। मुझे ऐसा लगता है शायद इसी बात को मानकर यहाँ पर मौजूद सभी लेखकों ने अपनी अपनी किताबें लिखी, क्योंकि वो जो चाहते थे पढ़ना शायद उन्हें कहीं मिला ही नहीं। आज से शुरू हुआ वसंत साहित्य उत्सव जो 2 दिन तक चलेगा। इस उत्सव में हम सब कई किताबों के बारे में जानेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे भी। नहीं, आप सबका मैं अरहम मजीद MA MC 4th semester की स्टूडेंट MCU लिटरेचर फेस्टिवल में इस्तकबाल करती हूँ। तो चलिए आप सबका ज़्यादा वक्त न लेते हुए इस सत्र की शुरुआत करते हैं। हमारी पहली किताब का नाम है तुम ही मैं हूँ, जिसे लिखा है श्री आदित्य श्रीवास्तव जी ने। तो चलिए पहले सर के बारे में कुछ जान लेते हैं। आदित्य जी के बारे में बात करें तो आपको पत्रकारिता में 12 साल का अनुभव है। 12वीं पास करने के बाद आपने भोपाल के लोकल न्यूज़ चैनल से बतौर एंकर अपने करियर की शुरुआत की। काम करने के साथ ही आपने BSSS से ग्रेजुएशन और फिर माखनलाल विश्वविद्यालय से MBA किया। प्रोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भोपाल छोड़कर आपने रायपुर का रुख किया, जहां आदित्य ने करीब 1 साल उस वक्त के Z24 छत्तीसगढ़ और अभी के IBC 24 में काम किया, जिसके बाद ABP न्यूज़ दिल्ली की तरफ रुख किया, जहां आपने 1.5 साल तक काम किया। उसके बाद आपने DD न्यूज़ मध्य प्रदेश में बतौर न्यूज़ एंकर कम करस्पॉन्डेंट की तरह काम किया। आपने बतौर रिपोर्टर भी देश विदेश में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भी इवेंट को कवर किया। आपने 2015 में पेरिस में हुई आतंकी घटना और उसके बाद फौरन जलवायु शिखर सम्मेलन को भी कवर किया। लिखने पढ़ने का शौक रखने वाले आदित्य की पहली किताब तुम ही मैं हूँ सितंबर 2019 में काव्य संग्रह के रूप में प्रकाशित हुई, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। साथ ही हमारे बीच मौजूद हैं हमारी समीक्षक संयुक्ता बैनर्जी मैम। तो पहले मैम के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। हमारी समीक्षक संयुक्ता बैनर्जी MA BJ से पास आउट हैं। TV और रेडियो जर्नलिज्म में आपको 15 साल का अनुभव है। इस दौरान आपने कई इंटरनेशनल और नेशनल चैनल्स में एंकरिंग की। पिछले 1 दशक से भोपाल में रहकर पहले न्यूज़ एंकरिंग, फिर भास्कर डिजिटल में वीडियो टीम की बागडोर संभाली। DD नेशनल, एपिक और तमाम चैनल के लिए आपने काम किया। फिलहाल आप ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ में कार्यरत हैं। आपको वुमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वालिटी पर लिखना और पढ़ना पसंद है। मैं मैम से गुजारिश करूंगी कि वो मोमेंटो देकर सर का स्वागत करें। सुलझे हुए और सरल से पत्रकार हैं। आज जिस तरह से जब ये शुभारंभ सत्र चल रहा था तो वहाँ पर मधुकर जी ने एक टर्म कॉइन किया था, किसी को ध्यान है वो टर्म क्या था जिसके इर्द गिर्द उनका जो पूरा उद्बोधन था वो बुना गया था? साधारीकरण, सरलीकरण भी जिसको हम कह सकते हैं। दरअसल आदित्य पर ये शब्द जो है ये बिल्कुल सटीक बैठता है। आदित्य खुद भी बहुत सुलझे हुए से एक इंसान है, जितना मैं उनको जानती हूँ शायद 6-7 साल हो ही गए होंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, और उनकी पत्रकारिता भी उस तरह की है। वो एक न्यूज़ एंकर है और बहुत बेबाकी से लेकिन बहुत साधारण से तरीके से सरल शब्दों के साथ वो अपनी बात कहते हैं। लिखते जब हैं तभी बिल्कुल वैसा ही लिखते हैं। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से हम आदित्य से ही जान लेना चाहेंगे कि आखिर ये किताब क्यों तुम ही मैं हूँ, और खासकर मैं इसके कवर से इसकी शुरुआत करना चाहूँगी। आदित्य, अगर आप बताना चाहें कि ये जो कवर है ये बेहद खास है, तो इसके पीछे की वजह और ये किताब क्यों? बहुत बहुत शुक्रिया संयुक्ता जी आपका, और यहाँ बैठे तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और वसंत उत्सव की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ और बधाई अच्छे आयोजन के लिए माखनलाल यूनिवर्सिटी को, आयोजकों को। सबसे पहले तो चूंकि अगर इस किताब के बारे में बात करें तुम ही मैं हूं, और जो आपने पूछा कि इसका जो कवर पेज है वो कवर पेज क्या कहता है, दरअसल अगर आप देखना चाहेंगे देखेंगे तो ये कवर पेज में एक व्यक्ति है जो मिरर के सामने उंगली करके खड़ा हुआ है, ऐसे उंगली दिखा रहा है और वो रिफ्लेक्ट होकर उसकी तरफ आ रहा है, और टाइटल है तुम ही मैं हूँ।
हम कहते हैं ना अक्सर कि किसी ने कोई हमारे साथ में तुमने ऐसा किया, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, लेकिन कभी मिरर के सामने खड़े हो तो वो तुम हम ही दिखाई देते हैं। वो तुम ही मैं हूँ का कंसेप्ट दरअसल वहाँ से है। बात यह है कि हमारे अंदर या समाज में हम कई बार दूसरों पर उंगली बहुत आसानी से उठा लेते हैं, और वो दूसरों पर उंगली जिस तरीके से उठती है हम खुद पर अंदर झांकते नहीं हैं उस चीज़ को लेकर। और कई बार समाज में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें भ्रमित कर देती हैं, हमारे अंदर राग द्वेष की भावना पैदा कर देती हैं, और उसके चलते हम खुद कई बार हमें ये नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं। हम अगर अपने अंदर झांकने की कोशिश करें तो एक अदृश्य, हर इंसान के दो चेहरे होते हैं, एक तो वो होता है जो हम सब के सामने है, आप हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, और एक दूसरा चेहरा वो होता है जो हमारे अंदर का होता है, जिसको सिर्फ हम खुद देख सकते हैं। और कई बार वो इतना वो जो चेहरा होता है वो अदृश्य होता है, और कई बार इतना अभद्र होता है, कई बार अगर हम सोचें कि वाकई वैसा इंसान, वैसे ही व्यक्ति इस समाज में अगर हो तो क्या हम, हमारे घर वाले, हमारे परिवार के जन, हमारे दोस्त का सुरक्षित रह सकते हैं, क्या उनके लिए समाज हो सकता है जिस समाज की कल्पना हम करते हैं, क्या वो समाज वैसा होगा ऐसे चीज़ से। तो बेसिकली ये किताब बस ये बताती है कि खुद का परिचय कराती है अगर आप इसको पढ़ोगे। और दूसरी बात ये कि ये किताब लिखने का कोई प्लान नहीं था, दरअसल कुछ कुछ लिखते रहते थे जब कोई मन उद्वेलित होता था, और उद्वेलना के बाद जब चीज़ें निकलती थी तो उस उद्वेलना में लिखा दिया जाता था, और कुछ समय के बाद लगा कि नहीं कुछ कंटेंट हो गया है तो किताब का उसमें रूप दे दिया गया। और फिर नाम क्या रखा जाए ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था, मेरे सहयोगी अंकुर यहाँ बैठे हुए हैं तो कई बार नाम को लेकर भी चर्चा हुई कि नाम क्या होगा, तो फिर यही हुआ कि किताबों को पहले, कविताओं को पहले पढ़ो और उसके बाद ही समझ सकते हैं कि इसमें है क्या। तो अधिकतर चीज़ें वही चीज़ें निकल के आई तो फिर तुम ही मैं हूँ नाम हो गया उसका। वाह, तो वाह। अच्छा, चूँकि यहाँ पर आदित्य ने बताया कि वो कुछ कुछ लिखते रहते थे, मैं आपको बताऊं कि आदित्य ने एक बहुत ही अच्छा इनोवेशन किया था, इनिशिएटिव दिया था, और वो था वीडियो ब्लॉगिंग का। कुछ कविताएं जो इन्होंने लिखी थी उसका वीडियो बनाकर उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया पर उसे जारी किया था, और वो बहुत कामयाब रहे थे क्योंकि बहुत व्यूज़ उन वीडियोज़ को मिले थे। और वाकई में जिस तरह से वो कविताएँ लिखी गई, गढ़ी गई और कही गई, वो अंदाज़ निराला था। तो किताब तो आप सब पढ़िएगा ही, लेकिन इसके अलावा अगर उन वीडियोज़ को देखने का भी आपको मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा। मैंने जैसा कि अभी यार हमने बताया कि मैं भास्कर डिजिटल में वीडियो टीम की हेड रह चुकी हूँ, उस दौरान मैं एक दिन में 100-100 वीडियोज़ देखती थी, लेकिन फिर भी इस तरह का कोई इनिशिएटिव मैंने कभी नहीं देखा, और वाकई में वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, और मैंने इसके लिए आदित्य को कई बार अप्रिशिएट भी किया। आईने और जिस तरह से हम और आप और हमारे अंदर का हम, इसको खोजने की जो पूरी जद्दोजहद है, ऐसे जब मैंने पहली बार इस कवर पेज को देखा था तो मुझे अमिताभ बच्चन साहब की एक मूवी याद आ गई थी जिसमें इस तरह का कुछ सीन था, लेकिन जब किताब पढ़ी तो समझ में आया कि वाकई में ये जो कवर पेज है और इसका जो टाइटल है तुम ही मैं हूँ, ये बहुत कुछ कहता है। किसी ने कितना खूब कहा है कि आईना ये तो बताता है कि कैसे हो तुम, आईना ये तो बताता है कि कैसी हूँ मैं, आईना इस पे है खामोश कि मुझ में क्या है, तो मेरे अंदर क्या है, क्या कुछ चल रहा है और मैं उसे समझ पा रही हूँ या नहीं, क्योंकि हम कई बार मानने को तैयार ही नहीं होते। उन्हें बेहद सरल शब्दों में आदित्य ने यहाँ पर लिखा है। कुछ चीज़ जो मैं कोट करना चाहूँगी, डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी जो गीतकार हैं जाने माने, और उन्होंने यहाँ पर आदित्य के लिए उनकी किताब में जो लिखा है, विचार हवा की तरह होते हैं, जैसे हवा आज़ाद होती है वैसे ही विचार आज़ाद होते हैं। अगर हवा मंद हो तो हम कितने भी थके हुए हों हमारी थकान दूर हो जाती है, मजदूरों का जो पसीना है वो हवा सुखा देती है, लेकिन अगर वही हवा तीव्र हो जाए, अनियंत्रित हो जाए तो वो तबाही मचा देती है। लेकिन आदित्य के जो विचार है, जो हवा है विचारों की, वो बहुत मंद है, बहुत प्यार से बहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे बहुत गुडी गुडी टॉपिक्स पर ही बात होती है, बहुत गूढ़ और बहुत संजीदा विषयों पर भी उन्होंने बात की है, लेकिन बहुत सरलता के साथ। तो ये जो यहाँ पर लिखा है विष्णु सक्सेना जी ने, और बहुत अच्छा लिखा है, और बिल्कुल उसी तरह की आपकी कविताएं भी है आदित्य, तो कभी जब आप लिखते हैं तो आपको किसी ने बोला कि ये एक्चुअली आपका एक ट्रेडमार्क है कि आप बहुत आसानी से बहुत मुश्किल जज्बातों को भी बयां कर जाते हैं? हाँ, लिखते समय जब, खासकर जब वीडियोस की शुरुआत की, जब आपने बजस का जिक्र किया, तो उस वक्त कई लोगों ने बोला कि एक नया अंदाज है या कुछ बड़ा आसान है इस तरह की। विष्णु सक्सेना जी का आपने जिक्र किया, मैं जब विष्णु जी से मिला था इस किताब को लेकर, उनको जब मैंने कुछ कविताएं अपनी दी थी,
तो उनसे मैंने पूछा, क्योंकि मैं बचपन से उनको सुनता आ रहा था, और जब पहली बार उनसे मिला तो मैंने कहा आपको पढ़ने के बाद क्या लग रहा है, क्या समझ में आया आपको, क्योंकि अब आप इतने बड़े कवि के सामने अपनी ये कविताएं लेकर जाओगे, शुरुआत मेरा कुछ है ही नहीं उनके सामने, तो कहते हैं कि इसका कोई रस ही नहीं है, और जो बिना रस की चीज़ होती है वो दिल से निकलती हुई चीज़ होती है, मतलब ये कोई श्रृंगार रस नहीं है, ये वीर रस नहीं है, ये हास्य रस नहीं है, लेकिन जो दिल की निकली हुई चीज़ें हैं वो एक अलग ही रस पैदा करती हैं, तो ये बात उन्होंने कही थी। दूसरी बात ये, जिस तरीके से आपने कहा कि संजीदगी की अगर बात करें, तो मैं जब लिख रहा था उस वक्त मैं कभी नहीं सोचता कि मैं किस भाषा में लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि जो मुझे दिख रहा है, जो मेरे दिमाग में चल रहा है, मैं उसको लिखने की कोशिश करता हूँ, बस इतना ध्यान रखता हूँ कि हाँ ऐसे लिखना है, चार चार लाइन ऐसे लिखना है, और उस चार चार लाइन में कोशिश रहती है कि अपनी जो बात है वो आ जाए उसके अंदर, और बात आना अकेला नहीं होता, जो आप करना चाहते हो, जो आपको लगता है कि ये चीज़ लोगों के सामने आनी चाहिए, वो बात निकल के सामने आ जाए, उसका सोल्यूशन हो। जो आप एक चीज़ अगर आपने गौर की होगी तो उसमें कहीं ना कहीं आखिरी लाइन में जब आप जाओगे अधिकतर कविताओं में एक सॉल्यूशन या एक उसके अंदर वो दिखेगा आपको, तो वो अब वो कहते हैं ना कि टीवी रिपोर्टर हो जाए रिपोर्ट, उसका एक आखिरी में एक साइन आउट करने की जो चीज़ें होती वो दरअसल कहीं ना कहीं वो आदत उसमें आ गई है। बिल्कुल, हमें पत्रकारिता, जब हम यहाँ पर पत्रकारिता के सीख रहे थे यूनिवर्सिटी में, तो ये बताया भी क्या गया था कि जब आप P2C देते हैं, पीस टू कैमरा देते हैं, चूँकि मैं ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की स्टूडेंट थी, तो चीज़ों को समअप करने की कोशिश कीजिए, और आदित्य ने ये काम किया भी है। मेरी एक बहुत पसंदीदा कविता है, उसका मैं अभी जिक्र इसलिए करना चाहूँगी आदित्य, क्योंकि उसमें वो जो समअप है ना वो कमाल का है, तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं उसे पढ़ना चाहूँगी, या आप ही पढ़े तो बहुत अच्छा रहेगा, और खासकर जो इसका समअप है वो। ये कविता है रिश्तों के अनेक रंग, इसे सुनिएगा और एक कनेक्ट आपको अपने आप फील होगा। दरअसल ये जो कविता है, हम कई बार रिश्ते निभाते हैं, आज हम कॉलेज में यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप लोग जब यहाँ से 2 साल बाद निकलेंगे तो जो दोस्त आपके बन गए होंगे, वो आखिरी दिन तो आपको लगेगा कि हम जिंदगी भर साथ रहेंगे, जिंदगी भर हमारे बहुत अच्छे दोस्त रहेंगे, हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, आप दोनों अगर मान के चलेंगे, लेकिन हर समय के साथ साथ परिवर्तन आता है लाइफ में, रिश्ते में भी, दोस्ती में भी, और किस तरीके का परिवर्तन होता है, और जो फील किया गया था उस वक्त वो लिखने की कोशिश की है कि हर रिश्ते की एक अपनी तासीर होती है, जब तासीर बदलती है तो तकलीफ भी होती है, रिश्ता हर समय एक सा नहीं होता, रिश्तों को बदलने का कोई मौसम नहीं होता, समय के साथ हर रिश्ते की प्राथमिकताएं बदलती हैं, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि स्थिति हमारे साथ ही क्यों होती है, हम कई बार कहते हैं ना कि हमारे साथ ही आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो फिर भी ये स्थिति हमारे साथ ही क्यों होती है, हर मजबूत रिश्ता एक दिन कमज़ोर पड़ जाता है, जिंदगी के जद्दोजहद में इंसान अकेला रह जाता है, निस्वार्थ रिश्ते तो हमेशा मीठे रहते हैं, लेकिन स्वार्थ की चाशनी में घुले रिश्ते ही अक्सर फीके पड़ते हैं, कुछ रिश्ते कश्मीर की तरह होते हैं, खूबसूरत तो बहुत होते हैं, कुछ रिश्ते कश्मीर की तरह होते हैं, खूबसूरत तो बहुत होते हैं, लेकिन जब बिगड़ते हैं तो मानो कश्मीर की समस्या बन जाते हैं, यदि रिश्तों में भांग घुल जाए तो उसका नशा देर तक होता है, लेकिन अगर जहर घुल जाए तो धीरे धीरे उसे मार भी देता है, ज़बरदस्ती किसी रिश्ते को कब तक ढोते रहेंगे, तकलीफ वो ऐसे देंगे कि ज़िंदगी भर रोते रहेंगे, और एक आखिरी लाइन कि माँ कहती है जूठी चम्मच अचार की बर्नी में मत डाल, माँ कहती है जूठी चम्मच अचार की बर्नी में नहीं डालना चाहिए, वरना अचार कितना भी अच्छा हो धीरे धीरे खराब हो ही जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, और वाकई में माँ कहती है जूठी चम्मच अचार की बर्नी में नहीं डालना चाहिए, वरना अचार कितना भी अच्छा हो धीरे धीरे खराब हो जाता है। तो ये वो कंक्लूजन है जिसकी मैं बात कर रही थी और जिसकी आदित्य भी बात कर रहे थे, कि कहीं कहीं कोशिश उनकी कविताओं में ये नज़र आती है, अंत में वो उसको समराइज करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। बशीर बद्र साहब ने कितना खूब कहा है कि हज़ारों शब्द जो अखबार में पत्थर के होते हैं, हजारों शब्द जो अखबार में पत्थर के होते हैं, गजल में आ गए तो रात की पलकें भिगोते हैं। तो हम सब खबरनवीस हैं, हम सब खबरों में लगे रहते हैं, और खबर जो है आमतौर पर नेगेटिव होती है। आप सब पत्रकारिता के स्टूडेंट हैं, आप समझते होंगे कि खबर वही है जो
नेगेटिव है, जो बुरी है, वो हमारे लिए खबर है। तो ऐसी बुरी बुरी खबरों वाले माहौल के बीच में रहकर अगर आपके अंदर एक मन है, एक दिल है जो धड़कता है, जो रिश्तों को उसकी जो पेचीदगियाँ हैं उनको समझता है और उनको बहुत सरल तरीके से लिख पाता है, तो वाकई में आप कामयाब हो जाते हैं कवि के तौर पर। तो वो कनेक्ट बिठाना आदित्य मुश्किल होता है कि एक तरफ आप एक जर्नलिस्ट हैं हार्ड कोर न्यूज़ और उसके बाद इस तरह से कविताएँ लिख पाना, उसका कहीं पर इनमें से किसी कविता में उसका पुट नज़र आता है? हाँ, काफ़ी कुछ में ऐसा है, लेकिन मुझे फिर यही लगता है कि आप जर्नलिस्ट हैं और आप अगर लिख रहे हैं तो वो कहते हैं ना कि विचारधारा से जोड़ दिया जाता है उसको, और सोशल मीडिया पर अगर एक पत्रकार के तौर पर आजकल व्यक्ति कोई भी लिख रहा है तो सबसे पहले ये ध्यान दिया जाता है कि किस तरफ का है, तो वो तरफ से बचने का मैं हमेशा कोशिश करता हूँ। लेकिन कई बार कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं ना कि आपको लिखने पर मजबूर कर देती हैं, और लिखना मेरे लिए, मैं सही बताऊँ, पिछले कुछ समय से मुझे ऐसा लगा कि शायद थेरेपी जैसा हो गया है कि जब मैं परेशान होता हूँ जो चीज़ मुझे दिखती है तो मैं अगर लिखूँ नहीं तो मुझे नींद नहीं आती, और कई बार रात को, इसमें से मैं आपको बताऊँ, अधिकांश कविताएँ ऐसी हैं जो रात को 2 बजे 3 बजे लिखी गई हैं। वो ऐसे लिखी गई हैं कि जब आँख खुली हुई है, आप सोने का प्रयास कर रहे हो, सामने पंखा चल रहा है, लेकिन आपको नींद नहीं आ रही, और जैसे ही आप उसमें लिखने बैठते हो, लिखने के बाद जब आप देखते हो कि हो गई, एक बार आपने पढ़ा तो यू वॉन्ट बिलीव, 2 मिनट लगता है नींद आने में। तो कई बार कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि बीच में एक दौर चला था, बीच में क्या दौर चला था, अभी भी चल रहा है, कि राष्ट्रवाद की बात खूब आती थी, और एक राष्ट्रवाद एक ऐसा मुद्दा इस देश में हो गया है जो अब लग रहा है कि पता नहीं हिंदुत्व खतरे में है कि राष्ट्रवाद खतरे में है कि क्या खतरे में है, ये कह नहीं सकते हैं। ऐसे में कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो हम, कोई ज़बरदस्ती मुझसे कैसे कह सकता है कि भारत माता की जय बोलूं, मैं आपको खड़े होकर बोलूँगा कि भारत माता की जय बोलूं, ज़बरदस्ती कैसे कर सकता हूं? भाई आप भारत में रह रहे हो तो आप भारतीय हो ना, ये आप सिद्ध कैसे करूं मैं ये वाली चीज़ बोल के? तो कुछ चीज़ें ऐसी हुई, मुझे लगा कि शायद ये परेशान भी कर रही हैं लोगों को, तो कुछ लिखने की कोशिश की, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं वो, शीर्षक है कि राष्ट्रवादी लफंगे, कि राष्ट्रभक्ति का चोला ओढ़े जाने कितने घूम रहे, हाथ तिरंगा भगवा ओढ़े दुनिया में वो घूम रहे, मन से राम तन से योगी दुनिया को वो बता रहे, जो ना बोले उनकी बोली उसको ही वो डरा रहे, उनकी नीति उनकी रीति दुनिया को वो थोप रहे, संविधान को ताक पर रखकर हर ओर लफंगे घूम रहे, भारत माँ की जय के नारे डरा डरा लगवा रहे, जो ना बोले उनके नारे देशद्रोह वो बता रहे, राष्ट्रवाद की परिभाषा खुद की इनने गढ़ ली है, राष्ट्रवाद की परिभाषा खुद की इनने गढ़ ली है, भारत माँ की अभिलाषा की कड़ी कड़ी जकड़ ली है, मंदिर मस्जिद गिरजाघर का ठेका इनके बाप का है, मंदिर मस्जिद गिरजाघर का ठेका इनके बाप का है, किस घर में कौन क्या खा रहा जैसे राशन इनके बाप का है, भारत माँ की कोख में जन्मा हर शख्स हिंदुस्तानी है, भारत माँ की कोख में जन्मा हर शख्स हिंदुस्तानी है, बार बार उसको सताना ये शौर्य नहीं बेमानी है, बार बार उसको सताना ये शौर्य नहीं बेमानी है, जो भारत में जन्मा है वो तो भारतीय है ना, वो कैसे वो सिद्ध क्यों करेगा बार बार? और छोटी छोटी चीज़ों को लेकर किस घर में क्या पक रहा है और उसकी वजह से दंगे हो जाते हैं इस देश के अंदर, तो वो अद्वेल्या थी और उस अद्वेल्या में ही आ गई। तो मतलब जब हम ये कविताएं पढ़ते हैं, और ये चीज़ मैंने भी महसूस की है कि हमें ये तो समझ में आता है कि आदित्य की लिखी हुई ये कविताएं हैं, लेकिन ये भी कभी कभी लगता है कि पत्रकार आदित्य की लिखी हुई ये कविताएं हैं। अच्छा, जब भी हम किसी भी कविता को पढ़ते हैं, लेख को पढ़ते हैं या मूवी देखते हैं, तो माना जाता है कि वो सबसे सक्सेसफुल है जिससे आप एक कनेक्ट बिठा पाते हैं। एल्केमिस्ट आप में से कितनों ने पढ़ी है? पॉलो की काफ़ी लोगों ने, है ना? एल्केमिस्ट को माना जाता है कि वो एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्रचलित किताब है, और आमतौर पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ना पसंद करते हैं, उन्होंने एल्केमिस्ट ज़रूर पढ़ी होगी। किसकी तरह आपको लगता था एल्केमिस्ट पढ़कर कि आप कौन हैं? याद है सैंटियागो? याद है सबको वो एक कनेक्ट फील होता है सैंटियागो के साथ कि मैं ही हूँ वो ड्रीमर, मैं ही हूँ वो सीकर जो निकल पड़ा हूँ खोजने, और फिर वो एल्केमिस्ट की पूरी कहानी।
आदित्य की कविताएं जब आप पढ़ेंगे ना तो आप उस सेंटियागो को फील करेंगे, आपको लगेगा कि आप ही है जिसने ये कविता लिखी है, आप ही है जिसने इस कविता को महसूस किया है और आप ही के शब्द शायद आदित्य ने उनको पिरो दिया है। अच्छा, शब्दों की जब हम बात करते हैं आदित्य, तो मंजर भोपाली साहब ने ये चीज़ का जिक्र भी किया है कि जिस तरह से रसगुल्ले में कई लोग थोड़ा सा गुलाब जल डाल देते हैं तो एक उसके टेस्ट में कोई अंतर नहीं आता, लेकिन जब आप उसको खाते हैं तो एक हल्का सा एहसास वो आपको कराता है। जिस तरह से खीर में हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं वो एक हल्का सा क्रंच देता है, वो आदित्य की कविताओं में आपको मिलता है और वो मिलता है उर्दू के शब्दों के साथ। तो बहुत प्यार से हिंदी की कविताओं में उर्दू के शब्द आ रहे हैं, बहुत अच्छे से शब्दों को पिरोया गया है, तो इसमें मास्टरी किस तरह से हुई? मास्टरी कुछ भी नहीं है, देखिए बहुत सादा। अब हम अगर बात भी कर रहे हैं तो आप 10 लाइन या मैं तो कहता हूँ कि 10 शब्द का एक सेंटेंस बिना उर्दू बोले बता दीजिए, संभव नहीं है। मतलब हो सकता है आप पढ़ने के बाद, लिखने के बाद, बनाने के बाद। हिंदुस्तानी की खूबसूरती ही यही है, हिंदुस्तानी जुबान की खूबसूरती ही है। हिंदी को माँ और उर्दू को मौसी इसीलिए कहा गया है, और ऐसा कुछ सोच के नहीं लिखा था कि यहाँ उर्दू का शब्द इस्तेमाल करें या हिंदी का शब्द इस्तेमाल करें। मेरा ये कहना है कि आप अपनी भावनाओं को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, कैसे बाहर समाज में ला सकते हो, वही एक भाषा होती है। और वो सरलीकरण की जो बात जिनका आपने जिक्र किया, जब हमारे आज मुख्य अतिथि कह रहे थे मधुकर जी, मैं वही कहता हूँ कि जब मैं ये किताब कई बार जब कई बुद्धिजीवियों को मैंने दी, उनको जब भेंट की, तो उन्होंने कई एक दो लोग ऐसे मिले, उन्होंने ऐसे पलटी देखी, हाँ किताबें पढ़ते हो, किस किस को पढ़ा है तुम? अच्छा, मैं कहा इनको पढ़ता हूँ, इनको पढ़ता हूँ, दुष्यंत कुमार को पढ़ो, निराला को पढ़ो, उनको पढ़ो। मुझे फिर कभी 2 मिनट के लिए तो ऐसा लगा कि यार मतलब मैंने किताब देना शायद गलती कर दी, इनको खारिज कर दिया उन्होंने इसको कि ये क्या लिखा है तुमने। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी, एक चीज़ उसका दूसरा पहलू ये भी होता है कि हो सकता है, ये मैं भी जानता हूँ कि जब ये कविताएं उसमें लिखी गई हैं, ये भाव है, भाव। वो कहते हैं ना कि मीरा ने कहा उनको कि आपने राग में नहीं गाया, भगवान को रिझाने के लिए जो गाया वो राग में नहीं गाया। उन्होंने कहा कि राग में गाने के लिए तो इंसान को रिझाया जाता है, मैंने तो अनुराग से गाया है। तो बेसिकली वो अनुराग ये कहें कि मेरे अंदर का जो मैं रखना चाहता था वो मैंने रखा। लेकिन हाँ, मैंने उसका दूसरा पहलू ये भी देखा कि अगर वो मुझे कह रहे हैं कि निराला की पढ़ी या दुष्यंत कुमार की पढ़ी, तो हो सकता है उससे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं निराला या दुष्यंत कुमार की तरह कभी सोचूं, कभी ऐसा लिखूं, ये हो सकता है उनका नज़रिया हो सकता है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि इससे ये नहीं है कि हमें डिमोरलाइज होना है। कई प्रतिक्रियाएं बहुत तुरंत मिल जाती हैं, लेकिन इस किताब को लिखने में समय लगता है या एक कविता को लिखने में समय लगता है। आप जिस दिन कविता लिखने बैठोगे तो आप कभी नहीं लिख पाओगे, लेकिन जिस दिन आपके दिमाग में कुछ आएगा आप 2 मिनट के अंदर बैठे बैठे लिख दोगे। तो वो टाइमिंग की ज़रूरत होती है, वो मूड की ज़रूरत होती है, और वो मूड पढ़ने वाला हो सकता है। अब मैं अगर कुछ पढ़ रहा हूँ तो हो सकता है आप में से 10-15 लोगों को या ही समझ में आ रही हो, लेकिन पढ़ने मैं अगर बोल रहा हूँ तो हो सकता है फिर भी समझ में आ रही हो, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो हो सकता है ना समझ में आए, क्योंकि वो फील और उस मूड को समझना पड़ेगा। इसलिए मैं यही कहता हूँ कि सबसे कि लिखें, लिखते रहें, धीरे धीरे तो धार आती है ना। मैंने आज कहा था अभी शुरुआत में कि 30 साल में चीज़ें परिपक्वता की ओर हो जाती हैं, मैं लगभग वहीं तक पहुंच रहा हूं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मैं परिपक्व हो पाया हूं। ताकि मैं और कनेक्ट की जो मैं बात कर रही थी उस पर भी मैं आदित्य से जाना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल से ये जो पहली कविता है, जब मैं ये पढ़ रही थी तो मैंने सोचा कि शायद ये वही है जो वीडियो ब्लॉगिंग में भी आपने सबसे पहले जिसको पब्लिश किया था, कब तुम खुद को श्रेष्ठ पाना। ये बहुत अच्छी कविता है, और अगर इसकी कुछ पंक्तियाँ आदित्य आप पढ़ सके, वो कनेक्ट वाली जो मैं बात कर रही हूँ ना कि आदित्य की कविताओं में आपको कनेक्ट मिलता है, आप उससे जुड़ाव महसूस करते हैं, वो इस कविता को सुनकर भी आपको महसूस होगा। दरअसल क्या होता है ना, इंसान कविता तभी लिखता है, असीम प्रेम, असीम नफरत और असीम पीड़ा से जन्म लेती है गोली, गाली और कविता। जब तक ये 3 चीज़ें नहीं होती है ना, आप लिख नहीं सकते, और जब तक 3-4 बार जीवन में आपको जिसे कहते हैं ना कि हर्ट ना हो या कोई रिग्रेट ना हो, तब तक आप दिल जब तक टूटेगा नहीं तब तक शायर नहीं बन पाओ। तो दरअसल कुछ चीज़ें ऐसी थीं, तो इस बड़ी सी जिंदगी में कई लोग आए, कुछ ठहरे तो कुछ ना ठहर पाए, कुछ भगवान बनकर आए तो कुछ मेहमान की तरह गए। हमने कभी अमीर को अपना बनाया तो कभी गरीब को है ठुकराया, लेकिन दोस्ती निभाने की होड़ में ना तो कोई कृष्ण बन पाया और ना ही कोई सुदामा सा निभा पाया। हमने कभी उगते को अर्ध दिया
तो कभी डूबते को दर्द दिया, हमने अनजान का तो सत्कार किया लेकिन अपनों का तिरस्कार किया। नौकरी शोहरत पैसे के लालच में हमने कईयों को खुदा बनाया, लेकिन इस हड़बड़ाहट में कभी कभी अपनों को है ठुकराया। अब भी वक्त है, खोल लो अपनी आँखें, खोल लो जज्बातों की वो पाखें, देख लो वो अपनों की आँखें, वरना टूट जाएंगी रिश्तों की शाखें। चौराहे पर तुम्हें कई लोग मिलेंगे, तुम्हारी बातों को अपना कहेंगे, लेकिन जैसे ही बढ़ोगे ना मंजिल की तरफ, वही तुम्हें झट से खींच लेंगे। तुम्हें मंजिल पर चढ़ता कैसे कोई देख लेगा, तुम्हारी तरक्की को कैसे कोई सह लेगा, तुमने भी तो किसी को मंजिल पर चढ़ते रोका था। तुम ही मैं हूं, फिर से पढ़ रहा हूं, कि तुम्हें मंजिल पर चढ़ता कैसे कोई देख लेगा, तुम्हारी तरक्की को कैसे कोई सह लेगा, तुमने भी तो किसी को मंजिल पर चढ़ते रोका था। याद करो आखिर ये बीज तुमने ही तो बोया था। तुम्हें क्या लगा जीत जाते तुम, पहुंच जाते मंजिल पर, तुम कैसे भूल गए, तुम्हारा पूरा हिसाब है खुदा पर। सुनो रास्ते में थक जाओ तो थोड़ा ठहर जाना, सुनो रास्ते में थक जाओ तो थोड़ा ठहर जाना, तुम्हारे बोए नफरत के उस खेत तरफ मुड़ जाना, जाने अनजाने में ही सही अपने ही बोए नफरत के उस पौधे को उखाड़ जाना, अगर वो पेड़ बन गया हो तो उसे जड़ से उखाड़ जाना। तुम खुद पर भरोसा करना, खुद की लकीर को बढ़ाना, जिस दिन समझ जाओगे ना ये ताना बाना, उस दिन तुम खुद को श्रेष्ठ पाना। वाकई में बहुत कमाल ये कविता, और वो पूरा विचार जिसके इर्द गिर्द इस कविता को बुना गया है, शब्दों को पिरोया गया है। जैसे आप बता रहे थे आदित्य कि जब आपने कुछ बुद्धिजीवियों को ये किताब दिखाई तो उन्होंने तमाम सवाल आपसे किए, कुछ लोगों ने खारिज न करते हुए भी खारिज किया, जिससे पहला फील ये आ रहा था कि शायद गलती कर दी कोई देखकर या क्या कर दिया मैंने, तो इस तरह का कोई इंसिडेंस हुआ जब आपको लगा कि यार ये क्या लिख दिया मैंने, या कोई इसके पढ़ेगा भी या बेवकूफ़? क्योंकि कई बार जब हम लिख लेते हैं और दोबारा पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमने क्या किया है, क्या बकवास लिखा है, तो इस तरह की कोई फीलिंग खासकर किसी कॉमेंट से? ये किताब नहीं, वैसे तो एक आध बार ऐसा हुआ, लेकिन मैं व्यक्तिगत बता रहा हूँ आपको, इस किताब के 2 महीने बीत जाने के बाद अब मेरे को लगता है कि मैंने ये क्या लिखा है। और अच्छा पता है एक और मैंने गलती क्या की, मुझे ऐसा लगता है कि आपने हालांकि शुरुआत से अभी अपन ने पढ़ने की कोशिश की है, जो मेरी मुझे लगा कि मैंने कुछ अच्छा लिखा लिखने की कोशिश की है, जहाँ से चीज़ें थोड़ी सुधरना शुरू हुई हैं वो बिल्कुल आखिरी में डाली मैंने, मुझे लगा कि वो शायद मुझे शुरू में रख देना चाहिए। उसमें वो अंत वाली कविता भी है, हालांकि मैं उसे अंत पर ही सुनना पसंद करूंगी। तो मुझे वही लगा कि चीज़ें शब्दों में है, और अब जब पढ़ता हूँ तो वो लगता है कि हाँ वो चीज़ें आगे पीछे हो सकती थी। और मतलब इतना बेसिक लिखा है आदित्य ने, जो कि सबसे मुश्किल है, क्योंकि सरल लिखना सबसे मुश्किल है, कि अगर आदित्य शीतलदास की बगिया में भी बैठे हैं तो उसके एक्सपीरियंसेस भी कविता की शक्ल में यहाँ पर देखने को मिलते हैं, अगर प्रेम का जो एक मूड है वो है तो विरह भी है, अगर राष्ट्र को लेकर जिस तरह से आपने पढ़ा, और मतलब हर तरह का रस इसमें है, हालांकि इसका कोई आकार नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो ये जो शीतलदास की बगिया और तमाम जो दूसरे जो शायद आपके ही किस्से थे कि आप वहाँ गए, आप बैठे और आपको जो अनुभूति हुई वो आपने लिख दिया, तो किस तरह से मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि हम जब कहीं बैठे होते हैं तो हमारे मन में विचार आते हैं और वो विचार हवा की तरह उड़ भी जाते हैं, उनको हम कहीं दर्ज नहीं कर पाते, आपने किस तरह से ये कोशिश की कि वो दर्ज हो और फिर इस किताब की भी शक्ल? शीतलदास की बगिया एक ऐसी जगह है, जब भी मैं निराश होता हूँ, परेशान होता हूँ, या मुझे लगता है कि कौन सी वो जगह है शहर के अंदर जहाँ मैं जाऊँ और जहाँ पर मैं खुद से बात करूँ, मैं अकेला भी बैठूँ तो मुझे परेशानी ना हो, वो एक ऐसी जगह है, जब मैं कभी वहाँ जाता हूँ तो मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलती है। मैं कितनी भी नकारात्मकता में अगर वहाँ जा रहा हूँ, कितनी भी नेगेटिविटी लेकर अपने अंदर से जाता हूँ, सामने तालाब की, बड़े तालाब की लहरें और एक शांत माहौल, सामने भोले का मंदिर, ये मेरे अंदर ऐसी पॉजिटिव वाइब्स देता है कि मैं कई बार, मतलब आज नहीं, मैं कई सालों से वहाँ जा रहा हूँ। और यू वॉन्ट बिलीव, जब ये किताब लिख रही थी तो हो सकता है इस किताब को लेकर एक नाम वो भी था, शीतलदास की बगिया। इस किताब का नाम तुम ही मैं हूँ की जगह में एक विचार ये भी आया था कि इसको शीतलदास की बगिया रख दिया जाए, और फिर ये लगा कि अगर मैं इसको रखता हूँ तो इस पर लिखूँगा क्या, मतलब किस उस कैसे उसको जस्टिफाई किया जाएगा। फिर मैंने शीतलदास की बगिया पे एक कविता लिखी,
सिर्फ नाम लिखने के लिए वो कविता लिखी गई। और जब वो कविता लिखी गई उसके बाद मुझे लगा कि यार ये तो बहुत पहले लिखी जानी चाहिए थी, मतलब मैं इतने दिनों तक जब मैं वहाँ बैठा तब मैंने वो नहीं लिखी, आज जब मैं किताब लिखने बैठा और लिख चुका हूँ, अब जब कवर पेज बन चुका है लगभग, और नहीं कवर पेज बन रहा था उसमें टाइटल फाइनल होना था, और फिर फोटो, मैंने फोटो भी निकाले थे, मैंने अंकुर को भी दिखाई थी कि यार देखो ये फोटो है इसको लगा सकते हैं क्या, तो वो भावनाएं थी, फिर उसके बाद वो कविता बनी। अच्छा, जैसे कि आपने भी कहा कि चूंकि हमने शुरू की कुछ कविताओं से शुरुआत की, लेकिन बाद में जाकर आपको रियलाइज हुआ कि शायद लिखना मैंने अब ठीक से सीखा है, या ठीक से थोड़ा ठीक हुआ है, थोड़ा मतलब ये कह सकते हैं मेरे हिसाब से। परफेक्शन तो कभी नहीं आता ना, ये पहचान ही है। लेकिन फिर भी इनमें से वो कविताएं जो आपको लगा कि हाँ ये पढ़ के लगता है कि ये मैंने लिखी है या इनमें थोड़ी कुछ बात है, ऐसी कोई खास कविता कविताएं तो इसमें काफी कुछ हैं जो मुझे पसंद है। आप ही की किताब है, आप ही की लिखी हुई है, तो सारी ही कविताएं आपको पसंद होंगी ये मैं मान के चल रही हूँ, लेकिन हाँ, फिर भी कुछ ऐसा जो दिल के बहुत करीब हो। एक कविता है मैं आपको बताऊँ, वो इसलिए दरअसल लिखी गई कि हम आज चूँकि आप लोग विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं और यहाँ भी आपको ढूंढने में मदद कर सकते हैं, जब आप निकले होंगे यहाँ से, जब आप निकलेंगे तो उस दौरान में आपको लगेगा कि यहाँ शहर के बड़े शहरों में आप बाहर जाएंगे, और बाहर जब जाएंगे तो परिवार छूटेगा, शहर छूटेगा, दोस्त यार छूटेंगे, और वो दोस्त यार जब छूटेंगे तो घर भी ऐसा हो जाता है, कई बार आप जब परिवार में बन जाते हैं तो माँ बाप जब घर में होते हैं तो आपको कितना मिस करते हैं, एक समय के बाद आपको ये लगता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं क्यों आ गया हूँ, लेकिन वो अपनी बीवी अपने बच्चे वही स्वर्ग हो जाता है, लेकिन उस वक्त माँ बाप पे क्या बीतती होगी, मैं वो लिखने की मैंने कोशिश करी है। दो मिनट वक्त देंगे तो मैं एक बार आप अगर मुझे बताएं, मुझे मुँह ज़बानी आपकी किताब अब याद हो गई है तो मैं भी आपकी मदद कर सकती हूँ ढूंढने में, मैं इंडेक्स से देख सकता हूँ। तुमने घर क्यों छोड़ दिया, पेज नंबर 100। हाँ, टाइटल है तुमने घर क्यों छोड़ दिया। सपनों की चादर बुनते बुनते शहरों का रुख मोड़ लिया, पढ़ लिख कर कुछ हासिल करने घर को तुमने छोड़ दिया। सपनों की दुनिया में तुमने खुद को ऐसे झोंक दिया, जैसा जहां मिला तुमको बस उसमें ही सो लिया। घर की चिंता, माँ की चिंता धीरे धीरे दफन हुई, घर को जब से छोड़ा तुमने सब तब से ही दफन हुई। बड़ा आदमी बनते बनते दुनिया से तुम टूट गए, रिश्ते नाते प्यार वफा इन सब तुम, ये सब तुम अब भूल गए। माँ बाप की लाठी तुमने नौकर कुआ बना दिया, माँ बाप की लाठी तुमने नौकर कुआ बना दिया, मुँह मांगा पैसा देकर नौकर को घर नौकर को घर सौंप दिया। आज तुम्हें माँ बाप का घर मेहमानों सा लगता है ना, हम जब आते हैं अपने घर चार पांच दिन के लिए आते हैं और चले जाते हैं, लगता है कि बस हमारा जहाँ रह रहे हैं वही घर है, कि आज तुम्हें माँ बाप का घर मेहमानों सा लगता है ना, अपनी बीवी अपने बच्चे वहाँ स्वर्ग सा लगता है ना, बूढ़े माँ बाप गाँव का घर सब बेमानी लगते हैं ना, उनका प्यार उनकी चिंता सब बेमानी लगते हैं ना, होली दिवाली रक्षाबंधन त्यौहार सभी अब फीके हैं ना, माँ की गुजिया माँ की भुजिया स्वाद सभी अब फीके हैं ना, त्यौहार की खुशियाँ मीठी बतियाँ माँ की अब फीकी हो गई हैं। माँ के साथ क्या होता है, वो आपको त्यौहारों पे मीठी बतियाँ आपको बड़ी अच्छी लगती थी, लेकिन अब आप जब त्यौहार पे ही नहीं आ रहे हो घर पे, तो त्यौहार की खुशियाँ मीठी बतियाँ माँ की अब फीकी हो गई हैं, जीवन की खुशियाँ जैसे उसकी अब तीखी हो गई हैं। बाप तो छोड़ो माँ की सोचो कैसे जीवन जीती होगी, बाप तो छोड़ो माँ की सोचो कैसे जीवन जीती होगी, तुम्हारी खुशी की ये जुदाई कैसे मन में सहती होगी, तुम्हारी खुशी की ये जुदाई कैसे मन में सहती होगी। उसे ये तो पता है कि आप वहाँ रह रहे हो, आप बड़े खुश हो, अच्छी नौकरी कर रहे हो, लेकिन उसके दिल पर क्या बीतती होगी उस वक्त। और ख़ासकर हम पत्रकारों के साथ हमेशा होता है, त्यौहारों पर कभी छुट्टी नहीं मिलती, उस वक्त सोचिए उस घर में क्या होता है। हम सब इस दौर से गुजरते हैं कि त्यौहार होते हैं, दिवाली है, दशहरा है, राखी है, होली है, और हम जो हैं खबरों में होते हैं, घर पर नहीं होते, और घर कुछ इसी तरह से खामोश और सुनसान होता है जैसा आदित्य की इस कविता में है। आदित्य, ये बहुत खूबसूरत सी किताब है, बहुत सुंदर आपकी कविताएं हैं, इसके आगे क्या?
मैं उसमें लिखा भी है आपने यहाँ पर कि उक्त सारा परिचय, हालांकि आपके परिचय से संबंधित है, कि महज एक पड़ाव, क्योंकि मंजिल की तलाश में मुसाफिर अब भी सफर में मशगूल है। सफर तो अभी शुरू हुआ है, अगर इस दुनिया का कहें तो किताबी दुनिया का, क्योंकि ये सफर कैसे शुरू हुआ ये तो अपने को भी नहीं पता था कि किताब तक जाएगा वो, लेकिन अब किताब तक आया है तो एक वो लिखने की एक शुरुआत हो चुकी है अंदर से कि हाँ लिखते रहना चाहिए। एक किताब आने के बाद लगता है कि नहीं दूसरी किताब भी अब आनी चाहिए। बिल्कुल, और वो एक जिसे कहते हैं ना कि एक प्रेशर आपके अंदर हो जाता है, अब अगला कोई व्यक्ति मिलता है ना एक महीने के बाद तो ये पूछता है अब आगे क्या और अगली कब आ रही है। और दो साल बाद भी अगर नहीं लिखोगे ना तो लोग पूछेंगे वन टाइम वंडर था, एक ही बार लिखा। हालांकि एक उपन्यास है जो कंप्लीट है, बस पब्लिश के लिए जाना है। वो भी एक दरअसल उसकी अगर थोड़ी रूपरेखा मैं आपको बता दूं तो वो ये होगा कि पैरेलल रिलेशनशिप, समानांतर संबंध इस वक्त जिस तरीके से हमारे समाज में बने हुए हैं, हम ये सोचते हैं कि दाएं हाथ से क्या कर रहे हैं और बाएं हाथ को पता नहीं चल रहा। तो मैं अगर किसी से प्रेम कर रहा हूँ और दूसरे व्यक्ति को नहीं पता चल रहा है और उससे हम छुपा के इससे भी प्रेम कर रहा हूँ उससे भी प्रेम कर रहा हूँ तो कैसे संभव है। तो उससे संबंधित वो किताब है और कैसे उसमें उतार चढ़ाव आते हैं एक रिश्तों के अंदर, सस्पेंस है उसके अंदर, उसके अंदर कई सारी चीज़ें हैं जो शायद हर एक खास बात मुझे उसकी ये लगी जो कि अभी 3-4 दिन पहले ही मैं जब उसका इंट्रो फाइनल कर रहा था जाने के लिए तो मैंने उसमें यही लिखा कि शायद उसमें एक एक जो किस्से होंगे जो मैंने लिखने की कोशिश की है वो कोई ना कोई व्यक्ति से रिलेटेड ज़रूर होंगे। हर व्यक्ति ने उसको पर्सनली अपनी लाइफ में उसको या तो जिया होगा या उसका ख्वाब होगा कि यार ऐसा तो मैं जीना चाहता था, क्योंकि कई चीज़ें उसके अंदर हैं तो वो मिल तो वो भी कनेक्ट बनाएगी, वो एक कनेक्ट बनाने की कोशिश की है, आप देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें भी आप इसी तरह से सफल होंगे। चूंकि समय समाप्ति की ओर है, अरहम ने मुझे एक चिट पकड़ा दी है, पूरा मैं उसका ख्याल रखूंगी, हम ऐसे भी रेडियो टेलीविजन के लोग टाइम के बहुत पाबंद होते हैं। जो मैंने शुरुआत में कहा था कि अंत में हम अंत ही सच है, इस पर बात ज़रूर करेंगे। अंत ही सच है, ये आदित्य की इस किताब की आखिरी कविता है और बहुत खूबसूरत कविता है। अंत अंत होता है लेकिन उसके बाद एक नई शुरुआत भी होती है, तो ये कविता चलते चलते हम ज़रूर सुनना चाहेंगे आदित्य आपसे। दरअसल ये कविता मैं कब लिखी गई मैं आपको बताऊँ कि मेरी एक ऑफिस में एक कलीग थी जो अब नहीं रही, बहुत कम उम्र में उसका निधन हो गया और 6-8 महीने पहले उसकी शादी हुई थी। और फिर जब मैं उसके फ्यूनरल में गया और वहाँ पर जब मैं वहाँ से जब लौटा उस वक्त मैंने ये कविता लिखी थी कि अंत होता तो अच्छा है लेकिन लगता क्यों बुरा है, जब अंत नियति है तो अंत की भी एक नीति है। अंत का कोई साथी नहीं है क्योंकि अंत अकेला है, साथी इसलिए नहीं है क्योंकि अंत तक कौन रहा है। जब तक आपके पास है तब तक अनंत है, जब तक आपके पास है तब तक अनंत है, लेकिन जिस दिन रूठ गया समझो वही अंत है। अनंत की चाह में अंत को भूल जाते हैं, अंत प्रकृति का नियम है, इसे क्यों नहीं अपनाते हैं। अंत कोई नहीं चाहता, अंत तक कोई नहीं सोचता, यदि अंत तक कोई रहता तो क्या कभी अंत होता। क्या मोह के आगे ही अंत बुरा है, क्या अंत के आगे मोह खुदा है, क्या मोह का कभी अंत नहीं हुआ है। अगर मोह ही खुदा है तो फिर हर बार क्यों अंत हुआ है। अंत थोड़े दुख के बाद लंबा सुख है, अंत बोझ नहीं एक नया रोज है, अंत निश्चित नियमित जीवन का निहितार्थ है, अंत सच है सदैव नियति को स्वीकार है। बिल्कुल, और इस सैड नोट पे हम नहीं खत्म करना चाहेंगे, हम इस सेशन को अंत नहीं करना चाहेंगे। तो अगर कोई ऐसी एक कविता है, कविता क्या कुछ लाइनें हैं जो मैं कई जगह मैंने सुनाई और बड़ा लोग जुड़े उससे। RGTV में एक बार सेशन लेने गया, वहाँ पर एक बड़ा हॉल था और लोगों ने बड़ा उसको एंजॉय किया। एक लाइन ऐसी आएगी जो आप लोग भी गाएंगे ना, चलिए कि तुमने हमारी एक खता पर हंगामा कर दिया, लो हमने तुम्हारा जिक्र भी ना किया और हंगामा कर दिया। अब ये हंगामा कर दिया आएगा, आप लोग रिपीट करिएगा। तुमने लाख गुनाह किए हमने तब भी कुछ नहीं कहा, हमने तुम्हारी फिक्र क्या की और तुमने हंगामा कर दिया। तुमने लाख सितम ढाए हमने कभी कुछ नहीं कहा, हमने उन सितम को क्या लिख दिया।
हम चुप रहे आज तलक तुमने बेजुबान समझ लिया, हम चुप रहे आज तलक तुमने बेजुबान समझ लिया, आज एक शब्द क्या बोल दिया। जरूरी थोड़ी है हर बार जिक्र तुम्हारा ही होगा, जरूरी थोड़ी है हर बार जिक्र तुम्हारा ही होगा, किसी और का जिक्र कर लिया तो तुमने हंगामा कर दिया। जिक्र तुम्हारा करें, जिक्र तुम्हारा ना करें तो क्या किसी और का कर सकते हैं, जिक्र तुम्हारा ना करें तो क्या किसी और का कर सकते हैं, ये बात तुमसे पूछ क्या ली तो तुमने हंगामा कर दिया। तुम रूठ गए थे हमसे तो किसी और से मशवरा कर लिया, तुम रूठ गए थे हमसे तो किसी और से मशवरा कर लिया, ये भी तुम्हें पसंद नहीं आया तो तुमने हंगामा कर दिया। अब जिए या मर जाएं ये तो हम खुद से ही पूछ सकते हैं ना, अब जिए या मर जाएं ये तो हम खुद से ही पूछ सकते हैं ना, अब ये बात तुमसे नहीं पूछी ना? तो तुमने हंगामा कर दिया। बहुत बढ़िया आदित्य, और वाकई में बहुत खूबसूरत ये किताब, जैसे बार बार मैंने कहा, और मैं सबसे यही गुजारिश करना चाहूँगी कि मौका मिले तो इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा। सिर्फ इसलिए नहीं पढ़िएगा कि ये आदित्य ने या माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के किसी एक स्टूडेंट ने लिखा है, इसलिए पढ़िएगा क्योंकि इसमें वो लिखा है जो हम और आप शायद सोचते हैं, महसूस करते हैं। और आप यूं ही लिखते रहिए आदित्य, यही शुभकामनाएं आपके लिए, और जल्द ही जब अगला एक और इस तरह का कोई लिटरेचर फेस्ट होगा यहाँ पर और दूसरी तमाम जगहों पर, तो मुझे ही बुलाइएगा समीक्षक के तौर पर और मैं फिर आऊँगी यहाँ, इस बहाने मुझे आपकी किताब और उसे पढ़ने का मौका। बहुत बहुत शुक्रिया संयुक्ता जी, और मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको बताऊँ, मेरा भी ये सौभाग्य है कि संयुक्ता जी ने इसकी समीक्षा की, क्योंकि संयुक्ता जी मध्य प्रदेश की उन चुनिंदा एंकर्स में से एक हैं जो मेरी पसंदीदा हैं, जिन पर वाकई मैं भरोसा करता हूं, जिन पर वाकई मुझे लगता है कि नहीं सही। मैं कई बार होता है कि हम लोग जब शो कर रहे होते हैं तो कौन होगा, तो मेरी पहली च्वाइस हमेशा संयुक्ता जी रहती है और मेरे से बहुत सीनियर हैं, बहुत सम्मान देती है उनके प्रति, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल जी, बिल्कुल। डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम ऋषभ है। आप एक युवा लेखक हैं और मैं भी लिखने वाला हूँ, मेरी लेखनी चल रही है, तो बहुत ज़्यादा किसी को तो इसके बारे में बताता नहीं हूँ, आने वाले वन ईयर के बाद मेरी बुक आ जाएगी, तो इस बीच में कई लोगों के ऐसे एक्सपीरियंस साझा किए हैं उन लोगों ने मेरे साथ। तो सर, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपने भी इतने कम उम्र में ये सब चीज़ें सब लिखनी शुरू की होंगी, तो आप कुछ ऐसे लोगों से सलाह लेने गए होंगे, कुछ ऐसे मेंटर्स से, कि मैं बुक लिख रहा हूँ या मैं पोइट्री लिख रहा हूँ, और उनसे बिल्कुल नेगेटिव आंसर आया होगा, कह रहे यार मत लिखो अभी, और अभी कहाँ लिख पाओगे, या तुम कैसे लिख पाओगे, ये बहुत, क्योंकि मुझसे भी कई लोगों ने ऐसा कहा एकदम से कि बहुत आए और बहुत चले गए, और बहुत लोग लिखते हैं लेकिन कुछ हो नहीं पाता है, तो क्या ऐसी प्रॉब्लम आपने फेस की कभी? नहीं ली, और सलाह क्या लेता, क्योंकि किताब लिखने की प्लान ही नहीं था, और किताब तो लिख गई, मतलब जब कंटेंट हो गया तो लिख दी गई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सलाह लेता तो जिस तरीके की चीज़ बाद में जो रिव्यू मिला मेरे को, तो शायद मैं नहीं लिख पाता, इसलिए मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप अगर कुछ भी लिख रहे हो, आप सलाह, आपको जिनसे लगता है कि हाँ जो मुझे सही सलाह देगा, आप बिल्कुल उससे लीजिए, लेकिन मैंने नहीं ली थी सलाह, मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर बताऊं, और सलाह लेता तो शायद नहीं लिख पाता, शायद ये बुक नहीं बन पाती, मैं रख के अपने पास बैठा रहता। एंड इनफैक्ट मैंने कभी लिखा नहीं है, लेकिन मैं भी उसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, आपके लिखने का कोई पैरामीटर सेट नहीं कर सकता, कोई नहीं कह सकता कि आप खारिज कर दिए जाओगे या कई आए और कई चले गए तो आप भी उस बहाव में बह जाओगे, ठहरोगे नहीं, आप किसी भी उम्र में लिख सकते हो, किसी भी चीज़ पर लिख सकते हो, और पढ़ने वाले आपको ज़रूर मिलेंगे, जैसा कि आज मधुकर जी कह भी रहे थे ना कि हो सकता है आपको ना समझ आए, कोई बात नहीं, हमें पढ़ने वाले और समझने वाले मिल ही जाएंगे, तो आपको भी इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। पे एक सवाल, हाँ, साहित्य के लिए कोई चीज खतरा कैसे हो सकती है, वो अगर कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को लिख रहा है, वो कैसे ही चीजों को लिख रहा है, उसने जो चीजें फेस की उसको अगर वो लिख रहा है, उसको आप चाहे लुगदी साहित्य कह लो, चाहे वर्तमान की चीजों को लेके कह लो,
तो खतरा कैसे हो सकते हैं? लिखने की आदत, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये बात हमारे लेवल पे सोचने की नहीं है, ये बात हमें नहीं सोचनी चाहिए, ये वो लोग सोचें जो एस्टेब्लिश्ड राइटर हैं। हम शुरुआत कर रहे हैं और हम अगर खतरा है कि नहीं है या इस तरह की विचारों में हम उलझेंगे तो शायद मुझे लगता है कि हम कभी शुरुआत भी नहीं कर पाएंगे और लिख भी नहीं सकते। सर, इस किताब के लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये आपकी किताब जो है नमकसार साहित्य आप लिखी हैं, शुक्रिया आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बोलता है मत लिखो, कोई बोलता है लिखो, क्योंकि सीमाएं बांध दी जाती हैं, तो आपको क्या लगता है कि लिखना क्यों ज़रूरी है? लिखना इसलिए ज़रूरी है कि आप पहली बात तो एज अ पत्रकार के, पत्रकारिता के स्टूडेंट क्यों ज़रूरी है, हमें लिखना पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये बात आप भी मानते हैं। और मैं व्यक्तिगत तौर पर बताऊँ तो मेरे लिए तो लिखना अब एक थेरेपी हो चुका है, जो मैंने पहले भी कहा, अगर मैं नहीं लिखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं शायद मेरे अंदर की उद्वेलना बाहर नहीं आ पा रही, मैं नहीं पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि आज कुछ कमी है। तो लिखना इसलिए ज़रूरी हो गया है कि अगर आपको लगता है कि आपके अंदर के विचार ही निकलेंगे ना, और किसी के कहने से हम क्यों रुकें? कोई अगर कह रहा है ये अच्छा है या बुरा है, नहीं है, इससे हमें क्या करना, हमें लिखना है, अच्छा लगेगा, अच्छी बात है। सर ने कहा ना, आज हमारे चीफ गेस्ट आए तो उन्होंने कहा था कि भले ही 10 पाठक होंगे लेकिन मैं उन 10 के लिए लिख रहा हूँ, ज़रूरी थोड़ा कि हम सबके लिए लिख रहे हैं। सर, वो क्वेश्चन आपके जो एक कविता आपने कही राष्ट्रवादी लफंगे, तो वह एक उत्कृष्ट विरोध है आपका कि जबरदस्तियां हम क्यों सहें, ऐसा क्यों करें, किंतु जब माँ भारती या भारत माता का जो भी कॉन्सेप्ट है क्रांतिकारियों ने कहा या लोगों ने कहा, तो कभी ऐसा क्या प्रश्न उठता है कि ऐसा हमारे अंदर एक विरोधाभास आता ही क्यों है भारत माता या वंदे मातरम में सन्ना बोलना? बहुत गहराई, किस तरह की भावनाएं हैं जो मतलब हमें विरोध करती हैं कि हमें नहीं बोलना चाहिए या ये सब कविता आपकी अच्छी है उसका विरोध? और क्यों बोलना चाहिए, जबरदस्ती क्यों करवाना चाहिए? जबरदस्ती की बात नहीं, पर हमारे अंदर वो विरोधाभास आता किस किस किन भावनाओं से? वो हमारे समाज उसके लिए जिम्मेदार है, हम सब उसके लिए जिम्मेदार हैं, और वो क्यों पनपा, ये बीज ही क्यों पनपा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है, इससे हमें बचना होगा। और चूंकि ये मेरे विचार हैं, मेरे थॉट्स हैं, इसको अगर कोई वो हर्ट हुआ हो तो वो कन्वेरी से वो नहीं थी, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि हम ज़बरदस्ती क्यों करें किसी चीज़ पर? इस भारत में हम रह रहे हैं तो भारत माता की जय बोल के ही अपनी राष्ट्रभक्ति क्यों साबित करें? मैं भारतीय हूँ, यही मेरे लिए गर्व की बात है। तो यस, देयर विल बी सिंगिंग अबाउट द डार्क टाइम्स। तो जो ये दौर चल रहा है, जो हालिया दौर है, उस बारे में एक कवि, एक लेखक का मन विचलता है, वो कई चलते हैं विचार उस समय, तो आपके मन में विचार होंगे, तो उस बारे में आप लिख रहे हैं या कुछ अभी आने वाला है, कुछ ऐसा आप जो आप सोच रहे हैं? सर, उस पर विचार लिखने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो जाते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि जो समाज में चल रहा है वही बातें हम कविताओं में लिखें, किताबों में लिखें, उसके लिए बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े पत्रकार हैं, बड़े बड़े राइटर्स हैं जो लिख रहे हैं, और मुझे